हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने विश्वास के लिए। ठीक है, आपने इतना विश्वास किया, काफ़ी लार्ज अमाउंट में बच्चों ने एडमिशन लिया इस कोर्स के अंदर। आप सबका विश्वास सर आंखों पर रखा जाएगा हमेशा। ठीक है, आपको बस केवल यही करना है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। अब जैसे एडमिशन तो आपने ले लिया, खाली एडमिशन से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको काम क्या क्या करना है। तो जो आज का सेशन है बेसिकली इसीलिए रखा गया है कि आप ये सब चीज़ें जानें कि आप सिलेक्शन किस तरीके से लेंगे। खाली कोर्स परचेज करने की बात नहीं है, कोर्स को पढ़ना किस तरीके से है, कोर्स किस तरीके से बिल्ड किया गया है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कोर्स में मिलेगी और किस तरीके से आपको काम करना है आगे। ठीक है, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि किस तरीके से आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है और आपको उसी हिसाब से काम करना है। ठीक है, और आपकी जितनी भी चैट है मैं थोड़ी देर में देखूंगा और उसके बाद बात करूंगा आपसे कि आपके जितने भी डाउट हैं, आप जो भी पूछना चाहते हैं, ठीक है, कोर्स को लेके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए CGL मेंस 2018 जिसका ये बैच है लक्ष्य 200। ठीक है, अब कोर्स आपने खरीद लिया है। ठीक है, आपके पास वीडियोस भी आ गई हैं, फर्स्ट डे की जो क्लासेस हैं आपकी, डेली क्लासेस आपको मिलेगी, लगभग चार से साढ़े चार घंटे की। ठीक है, अब चार से साढ़े चार घंटे की क्लास का मतलब ये नहीं है कि आपको चार से साढ़े चार घंटे आपको लगातार बैठ के अपना बहुमूल्य समय जो है उसे बेकार करना है लगातार वीडियो देखने में। ठीक है, बात को समझिएगा कि वीडियो किस तरीके से डिजाइंड है और आपको किस तरीके से करनी है। देखिए, मान लेते हैं सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, जो स्टार्टिंग होगा वो आपका ज्योमेट्री वाले पार्ट से किया है मैंने, एडवांस मैथ से, क्योंकि अगर आप देखते हैं प्री का या लास्ट ईयर मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसके अंदर आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं वो एडवांस पार्ट के हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो आए हैं अर्थमेटिक पार्ट के हैं। एडवांस पार्ट से शुरुआत करी हमने ज्योमेट्री से। अब क्योंकि आप प्री क्लियर कर आए हैं, आप सारे वही बच्चे हैं जिनका प्री क्लियर है मैं ऐसा मानता हूँ, तो कॉन्सेप्ट जो है आपका उससे थोड़ा ऊपर ही रहेगा। यानी इसके अंदर मैंने कोशिश ऐसी भी करी है कि कुछ एक बेसिक चीज़ें भी बताई जाएँ, साथ के साथ आपका एडवांस लेवल जो है उस पर मेन फोकस किया जाए। ठीक है, तो ज्योमेट्री से आपकी क्लास स्टार्ट होगी जिसके अंदर आपके लगभग 400 के करीब क्वेश्चन होंगे, 400 से साढ़े 400 के बीच। ठीक है, डेली आपकी 4 से साढ़े 4 घंटे की क्लासेज आएगी। वीडियो देखने की इस तरीके से पहले आप इस बात को समझिए बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, आपको पहले ये समझना है कि वीडियो आपको देखने किस तरीके से। मान लेते हैं, अब देखिए मान लेते हैं आपने ज्योमेट्री पढ़ ली है, क्योंकि आप जब प्री क्लियर कर आए हैं तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। कुछ एक प्रॉपर्टी आपको ऐसी मिल सकती हैं, ठीक है, जो आपने नहीं देखी होंगी पहले, क्योंकि आप मेरे से नहीं पढ़े हैं शायद, इसलिए मैं, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल की प्रॉपर्टीज़ मैं लिखवाता हूँ। सबसे पहले आपको वो प्रॉपर्टीज सेक्शन ही देखना है। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज़ ही हैं सारी। आपने ये देखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपने नहीं देखी हुई, ठीक है, और उसी को आपने एक नोटबुक पर लिख देना है। और एक चीज़ और, अब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब देखिए कोर्स आपका इस तरीके से डिज़ाइन है कि आपको बोर्ड पे देख के आंसर करना है, आपको बोर्ड पे फोकस करना है। ठीक है, आपको 4.5 घंटे की जो वीडियो है, 4 से 4.5 घंटे की, उसको देखने में मुश्किल से 2 घंटे का समय लगना चाहिए, मुश्किल से 2 घंटे का समय। ठीक है, क्योंकि आपको वो फॉरवर्ड कर करके देखनी है। आपने ये देखा कि पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का विचार आपके बारे में क्या है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं, पहले ये देखिए कि भाई क्वेश्चन के अंदर आंसर किस तरीके से करना है। क्वेश्चन देखा आपने, आपने ये देखा कि आपने इस तरीके से किया, फिर उसे प्ले करिए, आगे प्ले करके सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन देखने के बाद उसे आपको लिखना नहीं है कहीं भी, ये ध्यान रखिए, नोट्स नहीं बनाने हैं आपको। देखिए नोट्स आप बहुत बना चुके, ठीक है, नोट्स आप बहुत सारे बना चुके हैं, आपके पास बहुत सारे नोट्स हैं, अलग अलग जगह के नोट्स हैं, नोट्स नहीं बनाने, अब हमें सीखना है, क्योंकि अब हमारे सामने स्क्रीन है, स्क्रीन को देख के हमें ब्रेन को रिस्पॉन्स कराना है कि हमारा ब्रेन किस हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के। इसलिए मैंने ये भी कोशिश करी है, देखिए कुछ लाइव सेशन जो होंगे हमारे उसमें मैं आपको PDF दूंगा क्वेश्चन की, जो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेज रहेंगी, ठीक है, जो आपका और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। बस साथ के साथ मैंने ये भी कोशिश करी है कि बच्चे को एक आदत पड़ी रहे कि सामने स्क्रीन पे देख के आंसर करने की। तो आपको ये करना है, पहला क्वेश्चन आपने देखा,
जब मैं लिख रहा हूं तो आपको फॉरवर्ड करना है, बिल्कुल उसे लास्ट तक जाना है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब आपको सोचना है कि भाई इसका आंसर ए बी सी डी में से क्या हो सकता है, ठीक है। फिर आप ये देखिए कि मैंने उस क्वेश्चन को किस तरीके से कराया और उसमें कितना लिखवाया। अब जैसे आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, कई बच्चे कहते हैं कि ज्योमेट्री में पेन फ्री नहीं हो सकता, ठीक है, पर आप ये देखिए ज्योमेट्री में पेन फ्री किस तरीके से मैंने आपको कराया है और किस तरीके से आपको केवल डायग्राम डायग्राम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है। बार बार ये लिखना नहीं है कि आप पहला स्टेप लिख रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये स्टेप अवॉइड करने हैं। वो सारी चीज़ आपकी वीडियोज़ में दी गई है, आप वीडियोज़ में देखिए ध्यान से, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, उन चीज़ों को लगाइए, पर नोट्स नहीं बनाना है। देखिए बार बार बोल रहा हूँ, 4 महीने की आपकी वैलिडिटी है जिसमें आपका 2.5 से 3 महीने के अंदर आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा और एग्जाम भी हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है ना कि नोट्स बनाने हैं तो नोट्स वो आखिरी 1 महीने में बनाइएगा पेपर के बाद, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नोट्स के तौर पे हमारे पास रखा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल स्टडी करनी है आपको। देखिए बहुत नोट्स बना लिए, बहुत सारे क्वेश्चन लिख लिए, लिख लिख के थक गए हैं, ठीक है। अब इस बात को समझना पड़ेगा कि आगे का रास्ता आपको किस तरीके से तय करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया 2.5-3 महीने जो है आपको, देखिए आपकी ज़िंदगी के फाइनल 2.5-3 महीने जिसमें आपको जॉब इधर भी हो सकती है और उधर भी हो सकती है। तो बहुत केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है चीज़ों को और काम करना है, स्क्रीन पे देखना है, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर किया, यानी वही माहौल आपको रखना है जो माहौल आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। और आपने देखा 4 से 4.5 घंटे की वीडियो मैंने आपको बताई है, तो उसके अंदर केवल 2 से 2.25 घंटे आपको लगने चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको वो आंसर नहीं लिखना, क्योंकि वो चीज़ तो आप ही के पास है, ठीक है, आपके पास से कहीं नहीं जा रही है। एग्ज़ाम होने के 1 महीने बाद तक भी आपके पास, ये 3 महीने में अगर एग्ज़ाम होता है तो, ठीक है, तो 1 महीने तो तब भी आपके पास है, इसलिए आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं, केवल देखना है और ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, आंसर करना है। यानी हमें आदत डालनी है, सीखना है चीज़ों को कि भाई जहाँ मैं 5 स्टेप लिखता, 5 से 4 कैसे होंगे, 4 से 3 कैसे होंगे, 3 से 2 कैसे होंगे, कई बार मेरे को डायग्राम में कैसे काम करना होगा, सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई हैं वो आपको करना है। अब देखिए आ जाते हैं, जैसे ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्री के बाद आ गया आपका अगला पार्ट आएगा, उसके बाद अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे पार्ट आते रहेंगे, ठीक है। अब आपको सिलेक्शन अगर चाहिए, जैसे देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है लक्ष्य 200, लिखना बहुत आसान है, लक्ष्य 200, ठीक है, टारगेट बना लिया 200 का, पर 200 के हिसाब से काम करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं बताऊँगा वैसा वैसा चलना पड़ेगा। जैसे ज्योमेट्री का लेक्चर आपके पास जा चुके हैं, यानी पहले 4 से 4.5 घंटे की वीडियो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। कई बच्चे लाइव सेशन में आए हैं, कई बच्चे नहीं भी आए, जो नहीं आए हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम से कोशिश करिए लाइव सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि यही वो डिस्कशन है जहाँ से आपकी क्वेरी जनरेट होगी किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, और मैं आपको सॉल्व करूँगा क्वेरी लाइव ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करना है। अब देखिए लक्ष्य 200 है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि पहले आपको चीज़ें क्या क्या चाहिए। पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, और फिर आती है आपकी हैबिट, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं आपके सामने, ठीक है। हाँ अभी मैं आता हूँ, देखिए आपसे सभी से बात करूँगा, थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद बात करेंगे। जितने भी आपके डाउट हैं, आपको लगता है कि कोर्स कैसे चलेगा, तैयारी कैसी होगी, क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी बुक लेनी है, कैसे करना है, मैं सब बताऊंगा आपको। कॉन्सेप्ट के अंदर पार्ट आ जाता है, देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और डिफिकल्टी लेवल, इसकी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी बिल्कुल, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो कैट, सेट, मैट, जेट, ठीक है, SSC प्रीवियस ईयर्स और अदर सोर्सेज जो हो सकते हैं, UPSC, CDS, इन सब के जितने भी लेवल के क्वेश्चन ऐसे हैं जो SSC में आ सकते हैं, मैंने एक बात बोली जो SSC में आ सकते हैं, खाली पीली जबरदस्ती के मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन हैं जो आपके एक्सपेक्टेड है, जो आपको एग्जाम में सेम टू सेम भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, डिफिकल्टी लेवल मैंने सारा इंक्लूड किया है इसके अंदर, ठीक है, पर आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि सर ने जो कराया ये हमें करके ही जाना है, यानी ऐसा नहीं है आपको लग रहा है कि यार ये वाला छोड़ देते हैं, थोड़ा अलग टाइप का, इस टाइप का हमने देखा भी नहीं है, सब चीज़ें करके जानी है। अगली बात करते हैं वैरायटी की, यानी कोई भी टॉपिक हम करते हैं, जैसे हमने ज्योमेट्री करी, ठीक है, अब ज्योमेट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, आपने 150-200 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, पर आपने वो वैरायटी करी नहीं जो मेन है, यानी जिसपे क्वेश्चन लगातार बनता आ रहा है और जिसपे नया चेंज हो सकता है।
जब आप ज्योमेट्री की ही वीडियो पूरी देख लेंगे, आपको ये लगेगा कि भाई हाँ, इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें अभी तक नहीं पता थी, और वही मेंस लेवल की हैं। यानी मेंस लेवल के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आपने केवल लक्ष्य 200 सोच लिया कि मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया सर का तो मेरे 200 नंबर या 190 प्लस आ जाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ जैसे मैं बता रहा हूँ। तो वैरायटी की भी आपको टेंशन नहीं लेनी, डिफिकल्टी लेवल की भी टेंशन नहीं लेनी। सारी वैरायटी डिफिकल्टी लेवल मैंने इंक्लूड किया है इसके अंदर, ठीक है, बस भरोसा रखना है। आगे बात आती है कैलकुलेशन की। अब जैसे आप में से काफ़ी सारे बच्चे प्री देकर आए, प्री देने के बाद कई बच्चों का पेपर बहुत भी अच्छा हुआ, कई बच्चों का पेपर ऐसा हुआ जिसमें वो कहते हैं कि सर कैलकुलेटिव पेपर था, ठीक है। अब कैलकुलेटिव पेपर था, पेपर तो देखिए हर बार कैलकुलेटिव रहता है। मेन बात ये है कि हम उसमें कितना तैयार हैं कैलकुलेशन के लिए। अगर आप कैलकुलेशन के लिए पहले से तैयार नहीं है तो पेपर आपको कैलकुलेटिव ही लगने वाला है। कैलकुलेशन के लिए भी देखिए हम इसके अंदर सब चीज़ें करेंगे, चाहे वो DS हो, चाहे वो MG कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो रिमाइंडर थ्योरम हो, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन हो, ठीक है, चाहे DS हो, MG कॉन्सेप्ट हो, रिमाइंडर थ्योरम हो, अप्रोक्सीमेशन हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। चाहे वो लास्ट डिजिट हो, चाहे लास्ट टू डिजिट कॉन्सेप्ट हो, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें करनी है, ठीक है। और सभी पे आप क्वेश्चन देखेंगे, ये हो गया कैलकुलेशन वाला पार्ट। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई एक चीज़ नहीं, खाली कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट विद कैलकुलेशन विद हैबिट, यानी तीन चीज़ों का मिश्रण आपके पास होना चाहिए अगर आप लक्ष्य 200 हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं क्वेश्चन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में। ऐसा तो नहीं हो सकता एग्जाम में आप पूरे क्वेश्चन ही 5 सेकेंड 10 सेकेंड में कर देंगे, पर ऐसा जरूर हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जहाँ आपका 20 सेकेंड का वक्त लगता है वहाँ 10 सेकेंड का लगे, जहाँ 40 सेकेंड का लगता है वहाँ 20 सेकेंड का लगे, वो सब इन चीज़ों की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को समझना है। अब इसके बाद आती है हैबिट्स। जैसे आपने यूट्यूब पे भी मेरी काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी पेन फ्री हैबिट्स की। अब आपने कोर्स ले लिया है, अब वो चीज़ें आप करीब से समझ जाएंगे, यानी ये समझ जाएंगे कि जो लगातार वीडियोस यूट्यूब पे चल रही हैं पेन फ्री हैबिट्स, वो पेन फ्री हैबिट्स बनेंगी किस तरीके से, यानी डेली रूटीन में आपको किस तरीके से काम करना होगा, तो वो चीज़ आपको अब क्लास में ऑब्जर्व हो जाएगी। और इसीलिए मैंने आपसे बोला कि नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, नोट्स बना के देखिए थक गए हैं, काफ़ी सारे इतने सारे रजिस्टर इकट्ठे हो गए, नोट्स से कुछ नहीं होगा, हमें सीखना है और परफॉर्म करना है, डेली बेसिस पे परफॉर्म करना है। एक तरीके से जैसे मॉक टेस्ट होते हैं, हमें इस तरीके से ही आपको डेली रूटीन में क्लास करनी है। पहला क्वेश्चन देखा क्या आंसर होगा आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो अच्छा लगे आपने देखा इस तरीके से ये आंसर होना चाहिए, हो गया क्वेश्चन खत्म, अगले पे जाइए। तो डेली रूटीन में आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। जो न्यू वेराइटी है, देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आप एग्जाम में जाते हैं आपको पहली बार देखने को मिलते हैं, आपको लगता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने नहीं करे, एलजेब्रा पूरा आता है, ज्योमेट्री पूरी आती है, पर वो वैरायटी जो है पहले से ही करके जानी होती है। उस सभी वैरायटी पे आप क्लास में ही क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपने यूट्यूब पे भी देखा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे करा रखे हैं जो न्यू वैरायटी के जनरेट होकर आपको पेपर में मिल सकते हैं, वो एक बेसिक सा पार्ट है, यानी 5-10% पार्ट है, पूरा आपको कम्प्लीटली कोर्स में मिलेगा। आप देखेंगे ज्योमेट्री के अंदर ही जब आपका पहला टॉपिक ही खत्म होगा आपको ये पता लग जाएगा कितनी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं जो आपको करनी है, मुश्किल नहीं है पर आपको तैयार रहना है, ठीक है। अब देखिए इस पर आ जाते हैं। अगर मैं देखता हूं अगर मैं बात करता हूं डीएस की, डीएस यानी डिजिटल सम। अब देखिए हम क्वेश्चन करना तो सीख गए, मेरे को यह पता है कि क्वेश्चन कैसे होगा, आपको भी पता लग गया कैसे होगा। उसके बाद कहानी घूम फिर के आती है कैलकुलेशंस पे, यानी कैलकुलेशन अगर आप देखें, कैलकुलेशन पे आपको ये देखना पड़ता है कि भाई आंसर लगातार सॉल्व करने हैं, उसके बाद आंसर आप मैच करा रहे हैं। तो DS का कॉन्सेप्ट भी आपको डिटेल के अंदर वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएगी 1-2 दिन के अंदर अगले, ठीक है। तो वो DS कॉन्सेप्ट भी देखिए, और आपने पहले भी देखा होगा यूट्यूब पे मेरा वीडियो डाला हुआ है DS का, ठीक है, उसी का एडवांस वर्जन है। और आप ये देखेंगे कि उसी चीज़ को आगे बड़े स्केल पे किस तरीके से लगाना है वो डेली रूटीन की क्लास में देखेंगे। वो हमने वीडियोस देखी हैं केवल 3 यूट्यूब पे जो आपने देखी हैं, अब जो हम कोर्स में करेंगे वो लगातार क्लासेस में देखेंगे किस तरीके से DS लगेगा आपका। तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा लेता हूँ मैं आपको, रिकॉल कराने का मतलब है DS का मतलब क्या होता है पहले, और जल्दी जल्दी रिकॉल कराऊंगा क्योंकि आप में से सब बच्चे लगभग वीडियो देख चुके हैं मेरी, ठीक है।
तो डीएस का मतलब क्या होता है, डिजिटल सम होता है एक नंबर जिसके अंकों का योग आप निकालते हैं जो कि 6 हो गया। तो किसी संख्या के नंबरों को जोड़ने के बाद जो नंबर मिलता है एक, उसे आप डीएस बोलते हैं। डीएस के अंदर प्रॉपर्टी बताई गई, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, आप सब में डीएस लगा सकते हैं। ठीक है, आपने देखा जो हमारा फोकस रहा वो ऑप्शन एलिमिनेशन पे रहा, पर ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो पहला है आपका, ये सारी चीजें जब हैं जब आपको कैलकुलेशन करनी है। कई बच्चे कहते हैं सर ऑप्शन से नहीं हो रहा, कई बच्चे कहते हैं ऑप्शन से हो नहीं सकता। ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं होता, ऑप्शन से कैलकुलेशन होती है हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट से ही होता है, कॉन्सेप्ट ही लगेगा क्वेश्चन के अंदर। कॉन्सेप्ट लगाने के बाद जब हम लास्ट में अटक जाते हैं ना, मान लेते हैं इस टाइप की कैलकुलेशन है और ये मुझे करनी है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, चाहे वो डीएस हो या एमजी कॉन्सेप्ट हो, कई जगह ऐसा मिलेगा ऑप्शन मैच कर जाएगा। ऑप्शन मैच कर जाएगा तो क्या करेंगे, एमजी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फिर हम देखेंगे लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट किस तरीके से लगाने। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर, 130, 420, 540 अपॉन 20, 25 और 16। ठीक है, ये कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है। कैलकुलेशन करने के क्या तरीका है, या तो मैं डीएस लगाऊं, एमजी कॉन्सेप्ट लगाऊं, कुछ भी लगा सकता हूं। जैसे कि आपने देखा यहाँ 9 आ रहा है तो डीएस इसका 9 आ जाएगा, तो जिस ऑप्शन का डीएस 9 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब कई बच्चे बोलते हैं सर डीएस में चारों ऑप्शन में ही 9 आ रहा है, चारों ऑप्शन में 9 आ रहा है। आप देखिए एमजी कॉन्सेप्ट लगाइए, एमजी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ अगर 13 है तो आंसर में 13 का मल्टीपल मिलेगा। यानी ऊपर कोई भी नंबर ऐसा देखा हमने जो नीचे नहीं है उसका मल्टीपल आपको आंसर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ देखा, आपने देखा 420, 420 में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 का मल्टीपल मिलेगा। तो यानी जो चीज़ आपकी अटकती है अगर डीएस से भी, तो डीएस से अगर अटकेगी तो एमजी कॉन्सेप्ट से करेंगे, एमजी कॉन्सेप्ट से अटकेगी तो लास्ट डिजिट या लास्ट टू डिजिट आप उससे कर सकते हैं। अब जैसे लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है, देखिए ये सारी चीज़ आपके कोर्स में डिटेल में है, आपके कोर्स में पूरा ही चलेगा डीएस एमजी कॉन्सेप्ट। आप देखेंगे आगे लगातार आप ये देख सकते हैं कि चाहे वो मेंसुरेशन वाला पार्ट हो या अर्थमेटिक वाला पार्ट हो, आप सब जगह डीएस लगा सकते हैं, सब जगह आप एमजी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे हम अपनी कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने बोला आपसे लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट कब पढ़ा जाएगा, जब आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, आपको पता लग गया क्वेश्चन में क्या करना है। अब फाइनली आप नीचे आ गए आंसर पे, आपने कैलकुलेशन करनी है ये 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 108, ये सॉल्व करना है। अब एग्जाम में आपके पास इतना वक्त नहीं है, मेंस देने जा रहे हैं, मेंस वाली थिंकिंग रखिए। जब तक मेंस वाली थिंकिंग नहीं होगी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं प्री क्लियर करके आया हूँ, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिक चीज़ें बहुत हो गई, आपने बहुत सारा बेसिक पढ़ लिया। अब चीज़ों को फास्ट करना है, फास्ट करने की बारी है। 200 नंबर का पेपर है आपका, 100 क्वेश्चन आपके सामने है और आपको जल्दी से जल्दी करने हैं, और जल्दी से जल्दी की आदत डालनी पड़ेगी यहाँ से। यानी हमेशा कहा जाता है कि जो आदत आपकी क्लास से है वही आदत आपकी पेपर में रहती है। तो कोशिश करिए आप कहीं भी अगर पढ़ते हैं, ठीक है, मान लेते हैं घर पर ही आप पढ़ रहे हैं, तो फोकस करिए स्क्रीन पर देखने की। अगर आप स्क्रीन पर देख के पढ़ रहे हैं और दिमाग उस हिसाब से चला रहे हैं तो आप पेपर वाला माहौल आज ही ले रहे हैं। ठीक है, तो पेपर का माहौल आपको ऑनलाइन ही मिलना है, तो उस तरीके से कोशिश करिए। अब जैसे ये है, इसमें मैंने देखा 2 3 6 है, 6 4 24, 24 8 4 8 32, लास्ट में 2 आ गया। तो ए बी सी डी, यानी सबसे पहले लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ देखनी है, क्या अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, मान लेते हैं 10842, 10844, 10817, 101725, ये ऑप्शन है आपके सामने। कोई भी क्वेश्चन है एक्स वाई जेड किसी भी टॉपिक का, अगर ऑप्शन इस तरीके से है तो आप केवल लास्ट डिजिट पे फोकस करिए, क्योंकि चारों की लास्ट डिजिट अलग है, तो एक ऑप्शन ऐसा आंसर होगा जिसकी लास्ट डिजिट क्वेश्चन के हिसाब से बनेगी। जैसे मैं आपने यहां पर देखा था 8 4 32, 2 2 3 6 6 2 12, 8 4 32, 32 का केवल 2, 2 3 6 6 2 12, 12 का केवल 2, यानी ऐसा ऑप्शन आंसर होगा इसमें
जिसकी लास्ट डिजिट दो होगी, ठीक है, तो लास्ट डिजिट दो हो गई इसके अंदर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं ये हो गया आपका 108, तो 9 का मल्टीपल होगा आंसर, 14 हो गया 7 का मल्टीपल होगा, 13 हो गया 13 का मल्टीपल होगा, ये आपका एम जी कॉन्सेप्ट लग गया, लास्ट डिजिट लग गई। इसी के अंदर आप डीएस लगा सकते हैं, डीएस लगा के आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। कई बार हम लास्ट टू डिजिट का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करते हैं, जैसे मान लेते हैं लास्ट टू डिजिट्स, ठीक है, लास्ट टू डिजिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए आपने देखा 1 2 × 1 4, मेरे को लास्ट टू डिजिट निकालनी है, बात समझिएगा, इसको इससे गुणा किया 4 × 2 = 8, इसको इससे किया 4 × 1 = 4, 1 × 2 = 2, 4 × 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो ये इसकी लास्ट टू डिजिट आ गई। तो कितना भी बड़ा नंबर हो प्रोसेस यही रखना है आपको, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 1 × 2 = 2, 4 × 2 कितना हो गया 6 हो गया, लास्ट टू डिजिट आपकी 68 आ गई। अब मैं नंबर बढ़ा देता हूँ, लास्ट टू डिजिट निकालनी है, ठीक है, लास्ट टू डिजिट लास्ट टू नंबर से निकलेगी हमेशा, इन पे फोकस रखना है, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4 और 0 × 2 = 0, तो 48 इसकी लास्ट टू डिजिट आ गई। इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं 4 1 7 6 9 0 1 2, लास्ट टू डिजिट निकालनी है, 2 × 6 = 12, 1 आगे चला गया, 7 × 2 = 14 और 1 = 15 और 1 × 6 = 6, 15 × 6 = 21 का 1, लास्ट टू डिजिट आपकी 1 2 हो जाएगी, तो 1 2 आपकी लास्ट टू डिजिट हो गई। इसी तरीके से आप और बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं, 4 1 0 8 7 9 2, 2 0 7 4 5 6 4, ठीक है, ये आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 = 8, 9 × 6 = 36, 6 × 2 = 12, 36 और 12 हो गया आपका 52, तो लास्ट में 2 आ जाएगा, 28 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देखिए हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 1 × 2 = 2, ठीक है, तो 4 × 2 हो गया 6, ठीक है, और 6 जुड़ जाएगा इसके अंदर, आंसर आ जाएगा। अगर मैं इधर देखता हूँ, 4 × 2 = 8, ठीक है, 4 × 1 = 4 और 0, 4 आ गया, 2 × 6 = 12 का 2, हासिल चढ़ा 1, 2 × 7 = 14 और 1 × 6 = 6, ठीक है, 14 × 6 = 20 हो गया, 20 × 1 = 21, 21 का 1 आ गया, आगे चला जाएगा 2, ठीक है, तो लास्ट में आपका 1 2 आ गया। इसी तरीके से आपने यहाँ पर देख लिया, ये आ गया आपका लास्ट टू डिजिट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है घर पे आप यूज करेंगे ही करेंगे, जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपके रिमाइंडर थ्योरम पे भी बन जाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनता, पर आप कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, कैसे आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन लिया था मैंने किसी त्रिभुज के 2 कोण आधा रेडियन और 1/3 रेडियन है, तो तीसरा कोण डिग्री में कितना होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको पता है कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, आपने ये पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी पाई बोल सकते हैं, पाई रेडियन। पाई रेडियन की अगर बात करें, जो कि आपका 22/7 हो गया, तो 22/7 में से 1/2 और 1/3 घटा देंगे, ठीक है, ये आ गया आपका 3 × 2 = 5, 5/6, इसमें से अगर आप 5/6 घटाएंगे तो 132 − 35 जो कि हो गया आपका 97/42, ठीक है, ये आ जाएगा, यानी 97/42 रेडियन आपका आंसर हो जाएगा। इसे अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π, 180/π आपका ये आ जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं
सेवन नीचे 22। अब मैं काटता हूँ इसे, अगर मैं तीन से काटता हूँ तो 14 आ गया, ये 60 आ गया। फिर मैं दो से काटता हूँ ये 11 आ गया, ये 30 आ गया। दो से काटता हूँ 7 आ गया, 15 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखते हैं 97 इंटू 15 इंटू 7 बाई 11, ये हो गया 15 सत्तर आपका 105 हो गया। ठीक है, यानी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ध्यान से आपको समझना है। देखिए 22/7 था ये, 22/7 में से आपने 1/2 और 1/3, 3+2 5/6, 5/6 आपने घटा दिया, 132 माइनस 35 97 हो गया, अपॉन 5/6 था, 7 6 42 हो गया, 97/42, ये रेडियन में है। तो इसे रेडियन में अगर आपने कन्वर्ट किया 97/42 रेडियन, इसे अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा इंटू 180/पाई। 180/पाई को आपने लिखा 22/7 की फॉर्म में, फिर इसे ही आपने काटा है। दोबारा से बताया था एक बार किस तरीके से काटना है। अगर आप काटते हैं इसे, अगर मैं काटता हूँ तो ये हो गया, अगर मैं 6 से काटूंगा 30 हो गया, 6 से काटूंगा 7 हो गया। ठीक है, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 11 हो गया, ये 15 हो गया, 97 इंटू 15 बाई 11। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखते हैं 97 को, अगर आप ध्यान से समझिए बात को, आपके क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ना वो इस तरीके से हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 132 तो आएगा ही आएगा 11 से भाग करने पर, और एक रिमाइंडर, क्योंकि इसका मतलब यही तो है। बात समझनी है आपको, देखिए कैलकुलेशन आपको करनी है। मान लेते हैं ये कैलकुलेशन आपके सामने है, अब कैलकुलेशन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आप लास्ट डिजिट पे भी कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते हैं। अगर मैं लास्ट डिजिट देखता हूँ 7 5 35 का 5, तो ऊपर 5 हो गया नीचे 1, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो लास्ट में 5 किसके आ रहा है, आइए देखते हैं, 1 2 2 और 1 3, 1 2 2 और 2 4, 1 2 2 और 3 5, ये तो 2 ही है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया लास्ट डिजिट। इसमें मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करी, मैंने ऐसा नहीं किया पहले मल्टीप्लाई किया उसके बाद मैं डिवाइड करूँ, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, आप रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम अगर आप लगाते हैं, अगर मैं 97 को 11 से भाग करता हूँ तो आपने देखा क्या बचेगा, -2। आप -2 भी ले सकते हैं, +9 भी ले सकते हैं, बात एक ही है। 97 को अगर मैं 11 से भाग करता हूँ तो -2 बचेगा, क्योंकि 11 निम्न 99 होता है, 99 से 2 कम है तो -2 हो गया। 15 को अगर मैं 11 से भाग करता हूँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आ गया, -8। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो उसमें क्या करते हैं, वो नंबर जोड़ देते हैं, यानी 11 अगर मैं जोड़ देता हूँ इसमें तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा जो कि +3 हो जाएगा। तो +3 आप देखते हैं किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है 3 रिमाइंडर, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं अगर नेगेटिव नहीं लेना चाहते, आपने देखा 97 को 11 से डिवाइड किया कितना आ गया, 9 आ गया, 11 8 88 बचा 9। अब 9 यहाँ पर बचा है, यहाँ पर 4 बचा, 9 4 कितना हो गया, 36। 36 को अगर आप 11 से भाग करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 3/11 आपका फाइनली बच जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका अगेन आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, ये इसलिए अभी बताया गया, आज पहला लाइव सेशन है, सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आगे की कंप्लीट जो वीडियोज़ हैं आपकी, पूरा जो कोर्स है वो इन चीज़ों पर आधारित है बहुत हद तक। ठीक है, यानी काफ़ी हद तक इन चीज़ों पर आधारित है, और आपको ये भी देखना है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, यानी ना तो कंटेंट में हमें कमी छोड़नी है, ना कैलकुलेशन में कमी छोड़नी है, ना हैबिट्स में कमी छोड़नी है, तो तीनों चीज़ों पे ज़बरदस्त तरीके से काम करना है, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आपको वैसे वैसे काम करना है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, अब बात आपको समझनी पड़ेगी। अब जैसे कि मान लेते हैं दो संख्या आपको दे रखी है, टू नंबर्स जिनका अनुपात दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन किसी विद्यालय में
अब देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, मैं ये नहीं लिखूंगा पूरी लैंग्वेज लिखूंगा। आपको भी ऐसा कभी नहीं करना, ना क्वेश्चन लिखना और आपको तो आंसर भी नहीं लिखना, आपको तो सीधा स्क्रीन पे देखना है। और एक तरीके से जैसे दिमाग का टेस्ट होता है ना आपका, एक तरीके से वो टेस्ट है आपका जो आपको क्लास के फॉर्मेशन में मिल रहा है, ठीक है। यानी मॉक टेस्ट आप लगातार लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाने से पहले मैं ही बताऊंगा आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाना है। अभी फिलहाल इस चीज़ पे काम करना है जैसे आपको बताया जा रहा है कि आपको 4 से 4.5 घंटे का लेक्चर मिल रहा है जो आपको 2 से 2.25 घंटे में ख़त्म करना है, क्योंकि अभी आपका प्रोडक्टिव टाइम है। इतनी ज़्यादा वीडियो देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, ठीक है। केवल उतना ही देखना है जितना आपको नहीं आता है, जो आता है उसे लगातार प्रैक्टिस करना है हमें, ठीक है। साथ के साथ डेली रूटीन में आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी बताया जाएगा आपको किस तरीके से करनी है नेक्स्ट सेशन में। आप देखते हैं कि टोटल जो है 286 हो गया, लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात 8:5 हो गया। यदि 22 और गर्ल्स शामिल हो जाती हैं तो अनुपात होगा, ये आपका मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है, ध्यान से बात समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन एक है, डिफरेंस को जानिए, यानी वो डिफरेंस जानिए क्यों ऐसा हो रहा है। कोई बच्चा 4 साल में भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहा, कोई 6 महीने 7 महीने की तैयारी में भी आराम से सिलेक्शन ले पा रहा है, डिफरेंस क्या है। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, जैसे आपने पढ़ाई करी, आपने क्लासेस भी ले ली मेरी, आप क्या करें, क्लासेस लिए आपने, आपने नोट्स बनाए, आपने बुक्स पे क्वेश्चन करने स्टार्ट करे, आपने देखा सब क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं। यानी आपको केवल इस चीज़ से मतलब रहा कि जो भी कंटेंट आपने पढ़ रहे हैं तो उसका केवल आंसर सही आ जाना चाहिए, और आंसर अगर सही आता है तो आप मान लेते हैं कि हाँ मेरी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है क्योंकि मेरे आंसर सारे सही आ रहे हैं, ठीक है। अब उसी चीज़ पे मैं लेकर आऊँगा आपको, यानी चीज़ ये है कि अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तैयारी आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चलनी चाहिए। कंटेंट समझने से खाली कुछ नहीं होगा, कंटेंट के साथ साथ और चीज़ों पर भी काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप प्री क्लियर कर आए हैं तो आपको ये पता होगा, 8 और 5 क्या हो गया, 13 यूनिट हो गया, 13 यूनिट की वैल्यू 286 हो गई। तरीका देखिएगा अलग अलग, 13 की 286 हो गई, 1 की 22 हो गई। अगर आप निकालते हैं 8 की 176 हो गई, 5 की निकालते हैं 110 हो गई, ठीक है। अब आपने देखा 176 वो और 110 ये, अब वो बोल रहा है 22 गर्ल और शामिल हो जाती हैं, तो गर्ल्स की संख्या हो गई 132, बॉयज़ की हो गई 176, तो आप देखते हैं 44 चौक 44 तिया, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया पहला तरीका आपका, ठीक है। अब दूसरे तरीके पे आता हूं मैं, यहीं पर ही आपको पता लग जाएगा कि आंसर तो भाई इस बच्चे का भी सही निकल रहा है, आंसर इस बच्चे का भी सही निकल रहा है, आंसर इस बच्चे का भी सही निकल रहा है, पर ये वाला कह रहा है कि मेरे को एग्जाम में टाइम ही नहीं मिला, सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा मेरा। तो उस डिफरेंस पे काम करना है, पूरा कोर्स आपका इस चीज पर ही है कि आपको ये चीज जज करनी पड़ेगी कि आपको किस चीज पे काम करना है, खाली आंसर नहीं बनाना। अगर मैं भी कभी कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपको लगा कि भाई इसका सोल्यूशन सर ने बड़ा करा दिया, आप खुद देखिए कि क्वेश्चन छोटा किस तरीके से हो सकता है, और जो डेफिनेट आपका छोटा सोल्यूशन होगा वो ही हमेशा सही रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा तो देखिए कोई भी बना लेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड पे। अब मैंने देखा ये तो हो गया रेशियो से नंबर में जाना, यानी अनुपात से संख्या में, अगर मैं नंबर से अनुपात में आता हूं, मैंने देखा 8:5 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 22 आ गई। इसका मतलब क्या है, मतलब समझेंगे ना कि भाई 22 बच्चे जब तक नहीं होंगे तब तक एक अनुपात नहीं बढ़ेगा, 1:22 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनुपात क्या था, 8:5। अब 22 बच्चे बढ़ गए गर्ल्स के अंदर, तो इसका मतलब है अनुपात में कितना बढ़ेगा, 1, तो 8:6 यानी 4:3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चा ये जान जाएगा कि भाई इसे टाइम ज़्यादा लगा और इसे कम लगा, ठीक है। और केवल वो रूटीन हैबिट की बात है, डिपेंड करेगा उसने काम किस तरीके से कर रखा है। तीसरी चीज़ जो यहीं पर ही हो सकती है, ठीक है। अब आप देखिए तीसरी चीज़ पे आते हैं, तीसरी चीज़ अगर मैं देखता हूँ, 286 बच्चे पहले हैं टोटल इस अनुपात में 8:5 में, इसमें मैं कुछ चीज़ जोड़ता हूँ, क्या जोड़ता हूँ, 22 स्टूडेंट जुड़ते हैं, टोटल कितना हो गया 308,
अब जो भी अनुपात रहेगा उसका टोटल इसे डिवाइड करेगा, एमजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप देखते हैं 12 और 7 19, 19 से तो भाग नहीं हो रहा है, 10 और 7 17, 17 से भी भाग नहीं हो रहा है, 8 और 7 15, 15 से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 से भाग नहीं हो रहा, बचा क्या 4 और 3 7, 7 से भाग हो रहा है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी तीन तरीके तो मैंने ही बता दिया आपको इसके, यानी यही डिफरेंस ही स्टूडेंट्स में। जैसे कि मैंने अभी बात स्टार्ट करी थी तो मैंने आपसे यही बोला था कि आंसर सही निकालने का मतलब ये नहीं कि आपका तैयारी अच्छी चल रही है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ये बात समझिए, एक बच्चा ऐसे कर रहा है, दूसरा ऐसे कर रहा है, तीसरा ऐसे कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, कॉन्सेप्ट से, कि भाई पहले कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, फिर कैलकुलेशन, और फिर आती है आपकी हैबिट्स, ठीक है। अब मैंने कॉन्सेप्ट पे काम कर लिया, अगर मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता तो मुझे ये नहीं पता होता कि इस क्वेश्चन में मुझे करना किस डायरेक्शन में है, कौन सी चीज़ निकालनी है, क्या दे रखी है। तो पहली चीज़ ये है कि मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जिस पे हम काम करेंगे ही करेंगे। मैंने आपको बताया ना, तीनों चीज़ों पे काम करना, केवल एक पे नहीं करेंगे, केवल कॉन्सेप्ट पे नहीं करेंगे, सब चीज़ों पे करना है। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पे काम किया, आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी, तीनों चीज़ें जब भी हो पाई जब आपको कॉन्सेप्ट पता था। अब आते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट। कैलकुलेशन वाले पार्ट में क्या है, एक बच्चे को ये सिखा दिया गया, वो इस पे करे जा रहा है। अब उसने क्या करा, दूसरे बच्चे ने, उसने रेशियो से नंबर में कन्वर्ट ना करके नंबर से रेशियो में कर लिया, उससे उसकी कैलकुलेशन मिनिमाइज हो गई, कम से कम हो गई। फिर तीसरा एक स्टूडेंट है, उसने इस तरीके से ही कर लिया कि भाई 286 में क्या जोड़ें जो इससे भाग हो जाए, ठीक है, ये जोड़ने पर 308 आ गया, 308 किससे भाग होगा, डी ऑप्शन से भाग हो जाएगा। अब तीनों चीज़ें, अब आगे क्या डिफरेंस समझिएगा, कॉन्सेप्ट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, अब आती है आदत पे। यानी एक बात, अगर मैं ही आपके सामने हूँ, मैं तीनों मेथड पेन फ्री कर सकता हूँ, वो कैसे करूँगा आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं इसे मिटा ही देता हूँ, अब बात आएगी देखिए आदत पे, जो मेंस वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जो आप डेली रूटीन में गलतियां करते हैं कि भाई लगातार लिखे ही जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं, इसलिए मैंने बोला आपको सारी वीडियोस स्क्रीन पे देख के करनी है, स्क्रीन पे देख के, और कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाने हैं। लास्ट का एक महीना आपके लिए बहुत है, पेपर के बाद आराम से नोट्स बनाइएगा। अब मैंने देखा 8:5, 8:5 से मैंने देखा कितनी यूनिट हो गई, 13 यूनिट हो गई। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी, 286, 13 से डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। 1 की कितनी हो गई, 22 हो गई, 8 की कितनी हो गई, 176, 5 की हो गई 110, 110 के अंदर आपने 22 जोड़ा, आ गया 132। तो ये पहला मेथड है, 176, 132 मैंने काटा 44 से, 4:3 मेरा आंसर आ गया। अब हुआ क्या, तरीका तो मैंने यही लगाया पर मुझे स्टेप थोड़े ज़्यादा करने पड़े, और मैंने पेन फ्री किया। लेकिन पेन फ्री कब किया, क्योंकि मैंने डेली रूटीन में भी तो मैं ऐसी पढ़ाई कर रहा हूँ, डेली रूटीन में मैं लगातार बना नहीं रहा हूँ इस चीज़ को। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। अब मान लेते हैं ये 8:5, 22। अब जैसे कि मेरे को पता है कि मेरे को स्टेप कम से कम करने हैं, ठीक है। अब कम से कम करने, मैंने देखा कि भाई 22 गर्ल्स ऐड करी हैं, 8 और 5 13, 13 यूनिट की वैल्यू 286। अगर 13 यूनिट की वैल्यू 286 हो गई, 1 की आ गई 22, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब तक 22 बच्चे नहीं बढ़ेंगे, 1 यूनिट नहीं बढ़ सकती अनुपात की। अब ये बोल रहा है कि 22 बच्चे बढ़ गए, तो 1 बढ़ा दिया, 8:6 हो गया, 4:3 हो गया। अगर ये बोलता 22 बच्चे कम कर दिए गए तो 1 घटा देते, 8:4 हो जाता, 2:1 आ जाता, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन बनेगा मैं आंसर कर सकता हूँ, और उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं तीसरा मेथड हमने क्या करा था, एमजी कॉन्सेप्ट लगाया था। मेरे को पता है 286 बच्चे हैं, इसमें 22 जोड़े, 308 हो गए। अब कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 308 को भाग करेगा, मैंने देखा 12 और 7 19 तो 308 को नहीं करेगा, 19 एकम 19 11 चला गया, 118 भाग नहीं होगा। फिर मैंने देखा अगला नंबर 10 और 7 17, 17 भी 308 को भाग नहीं करेगा। अब देखिए, जैसे मैंने बोल तो दिया कि 17 308 को भाग नहीं करेगा, पर ये मैं जब बोल पाया हूँ, जब मैंने डेली रूटीन में प्रैक्टिस करी है अच्छी, तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। डेली रूटीन में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों की, यानी छोटी छोटी चीज़ों से सिलेक्शन है आपका, उल्टी सीधी चीज़ें करके सिलेक्शन नहीं होगा आपका। जो चीज़ें आपकी हैं प्री एग्जिस्टिंग करती हैं, यानी आपने देखा कि सामने जो चीज़ चल रही है, आपकी ट्रेंड जो चल रहा है, जिस हिसाब से एग्ज़ाम में आ रहा है, उस हिसाब से आपको चीज़ों को करना है, और तरीका छोटा करना है आपका,
ठीक है, तरीका छोटा है, यानी पेन फ्री करिए, कैलकुलेशन करिए छोटी सी, और आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट आप में से लगभग सभी बच्चों का क्लियर है, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप प्री देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर ही होगा। पर फिर भी हमने जितने भी सेशन रखे हैं, जितनी भी वीडियोस डाली हैं, सभी के अंदर आपको कॉन्सेप्ट तो बताया ही जाएगा, पर कॉन्सेप्ट में आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। वीडियोस आप ही के लिए हैं, पर आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, उसी हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो देखिए, आज के लाइव सेशन में मेरे को इतना ही बताना था कि आपको किस किस तरीके से वीडियोस देखनी है। अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बुक देखिए, आप प्रीवियस ईयर की लीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर की आप किसी भी बुक को ले सकते हैं, और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। मेन मैटर जो करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो ये मैटर करता है कि आपकी करने का तरीका क्या है। करने के तरीके पे चीज़ ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो करने के तरीके पे आप जानिए, किसी भी बुक का आपने क्वेश्चन लिया, खुद को समय दीजिए और रिएक्ट करिए। पेन लेके शुरू नहीं हो जाना कि आपने बनाना शुरू कर दिया। हाँ, डेली प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया, आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक लीजिए। वैसे तो देखिए, मैं आपको इतना कंटेंट करा दूंगा कि आपको एक्सटर्नल कुछ ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। जैसे कि आप एडवांस मैथ में देखते हैं, देखिए मेन फोकस आपका एडवांस मैथ पे ही रहेगा, ठीक है। एडवांस मैथ के हिसाब से ही आप स्पेशल करिए, और अर्थमेटिक पार्ट का फोकस तो रहेगा, पर आपका 60-40 का रेशियो रहेगा, 60 एडवांस और 40 आपका अर्थमेटिक रहेगा। आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, देखिए फेसबुक आईडी पे, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह अगर पूछना है तो। देखिए, सारे क्वेश्चन ये मेंस लेवल के ही रहेंगे, कोई प्री नहीं होता, कोई मेंस नहीं होता, कंटेंट होता है। कंटेंट आपका ए प्लस लेवल का ही रहेगा, यानी आपको मैंने बोला है ना, कैट, मैट, जेड, सभी प्रकार के। प्रीवियस ईयर की बुक देखिए, जैसे आपको लगता है कि आपने कई बार कर दी, ठीक है, तो आप एक बार ना ऐसे करिएगा कि बुक सामने है, पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी में से आंसर कौन सा आएगा, और पॉइंट तक नहीं लगाना है, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका इन छोटी चीज़ों से ही है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे को पेन फ्री करना है, अब देखता हूँ मैं मेरे को कितना आता है। एडवांस मैथ पूरा बढ़िया तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस प्रैक्टिस करिए अपनी। डेली प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है, और मेरी बुक जो है लगभग अभी नेक्स्ट मंथ तक आएगी, वो मेंस लेवल की ही है स्पेशली, ठीक है, एडवांस मैथ की, लक्ष्य 200। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए देखिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसे मैंने आपको बोला ना, आपने इतना विश्वास दिखाया, इतना अच्छा, तो विश्वास रखिए, सब चीज़ें आपको बहुत बढ़िया मिलेंगी, ठीक है, सब चीज़ें, पर पेशेंसली करना है, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ केवल उसी हिसाब से करना है। ऐसा नहीं 4 घंटे बैठ के आप डेली की वीडियो देख रहे हैं, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। देखिए, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्लास तो पूरा होने दीजिए, जैसे ज्योमेट्री पूरी हो जाएगी ना, फिर भी हम लाइव सेशन देखेंगे, फिर आप देखिएगा, आप बताइएगा मेरे को कि सर ये रह गया या वो रह गया, मैं देखता हूँ क्या रह गया, ठीक है। और सारे स्पेशल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हाँ, शुक्रिया। देखिए, आप लोगों का प्यार है, बस बनाए रखिए इसी तरीके से, कमी नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। पर जैसा मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वैसा ही करना है। जैसे आप देखते हैं ना कि पेन फ्री हैबिट, सन ने यूट्यूब पे तो पढ़ाया कि पेन फ्री हैबिट ये हो गया, ये हो गया, अब उस चीज़ों को जानिए, वो चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, काम करिए उस हिसाब से। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, इतने सम्मान के लिए। हाँ, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने, आप लोग इस तरीके से बोल रहे, मैं चाहता भी हूँ ऐसा, ठीक है। कोई नहीं भाई, आप लेट हो गए तो दोबारा से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखिए इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया था यूट्यूब पे जब वीडियो डाले थे कि इंग्लिश के लिए आप डेली 2 से 3 सेट कोशिश करें बनाने की, यानी 4 से 5 घंटे आपको लगभग लगाने पड़ेंगे, और कोशिश करें उसमें अगर क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन और वाला पार्ट जो आपका PQRS है, इसको छोड़ के लगाएं, यानी 140-150 नंबर का, क्योंकि वो स्कोरिंग है, उसमें 90% स्कोर करिए।
एक दिन स्पेशल सेशन इसके लिए भी रख लेंगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। इस बार देखिए डेफिनेटली होना चाहिए, अगर आप में से कोई इस विचार में है ना कि अगले साल हो जाएगा, 19 भी आने वाला है पास में, उसमें कर लेंगे, 19-19 का कोई विचार मत रखिए, 2018 ही है आपका जो कुछ है। और कंटेंट में आप मेरे को लास्ट में बताइएगा कि सर ये कमी रहेगा, ये कमी रहेगी, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। क्वेश्चन की पीडीएफ देखिए, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा लाइव सेशन में, उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, सभी की नहीं मिलेगी। इसके पीछे भी रीज़न रहा है, और रीज़न मैंने आपको बताया, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा बोर्ड पर फोकस करके पढ़े। ऐसा नहीं है कि बोर्ड पर आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पीडीएफ देख रहे हैं और फिर आप आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, सामने देखना है। जैसे क्वेश्चन लिखूंगा फॉरवर्ड करके वीडियो देखिए, जैसे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आसान है मेरे को आता है, तुरंत आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन आपको आता भी है वो भी आप लगातार देखे जा रहे हैं उसके अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हाँ, हिंदी में बोले बोलिए बोला जाएगा क्वेश्चन, इंग्लिश में मैं लिखता ही हूँ, देखिए हिंदी में मैं बोलता हूँ, तो दोनों मीडियम के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेली लगभग आपकी 4 से 4.5 घंटे की वीडियो क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट क्लास आपको आज मिली चुकी है फर्स्ट डे की, तो आप देखिएगा उसे पढ़िएगा। हाँ, 18 में देखिए डेफिनेटली सिलेक्शन लेना है, गाइड मेरी तरफ से पूरा रहेगा, पक्का रहेगा। पर इस चीज डिफरेंस को समझिए कि 2 लाख बच्चे बैठ रहे हैं मेंस के अंदर, 2 से 2.25 लाख, उनमें से ऐसे 5,000 या 7,000 बच्चे कौन से होंगे, कौन क्या स्पेशल बात होगी उन बच्चों में कि उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा, तो वो स्पेशल बात के लिए काम करना है। हाँ देखिए, मेहनत कर लिया करिए आप, गाइडेंस की जिम्मेदारी मेरी है, मैं बता रहा हूँ। आज तो लाइव सेशन थोड़ा वैसा रहा बातों वाला, आगे से लाइव सेशन यही रहेगा कि भाई ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो आपको कराए जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने बताया है आपको कि भाई 2 से 3 सेट आप डेली बेसिस पे बनाइए और मेहनत करिए। इंग्लिश का स्कोर अगर अच्छा रहेगा तो बेनिफिशियल रहेगा, आपको मनचाही पोस्ट मिलेगी। मैथ्स में तो मैं कोशिश करूंगा आपके अच्छे से अच्छे स्कोर की, यानी 190 प्लस आपका स्कोर कराया जाए, कंटेंट 200 वाला कराया जाएगा पूरा। अब डिपेंड करता है कि आप कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चनों से ही थक जाते हैं, क्योंकि 300-400 क्वेश्चन आपको करने बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनमें से लगभग 50-60% नए पैटर्न पे ही बेस हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर वाले तो आप प्री लेवल में करते आए हैं आराम से, तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए, प्री लेवल आप क्लियर कर चुके हैं, अब आपको कुछ स्पेशली करना है। हाँ देखिए, 190 प्लस के लिए जरूर ट्राई करिए, मेरी तरफ से जो भी होता होगा ना मैं डेफिनेटली करूँगा आपके साथ, सपोर्ट 200% रहेगा हर चीज़ के लिए, ठीक है। चाहे वो गाइडेंस हो, देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हर कोई पढ़ लेता है, हर बच्चे के पास होता है, ठीक है, सबको पता है कैसे होना है क्या होना है। उसके बाद कैलकुलेशन आ जाती है, किसी भी एक चीज़ को नहीं छोड़ना, ये नहीं है कि खाली हम समझ गए चीज़ें कैसी होंगी, समझ भी गए हम कैलकुलेशन भी आसान करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि पेन कैसे छूटता है, किस तरीके से आप पेन फ्री कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन में नहीं तो कम से कम ऐसा तो हो 40-50% क्वेश्चन हम ऐसे कर लें। मैं इसके लिए देखिए मेरा बुक आएगा पक्का, आप उसे करिए डेफिनेटली, स्पेशल बुक रहेगा मेंस 18 के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, देखिए आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना टाइम जो है पढ़ाई में लगाइए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है मेरी फेसबुक आईडी है पर्सनल, आप उस पर बात कर सकते हैं, अगर मैं लाइव कभी नहीं भी आता हूँ तो वो तो मैं फेसबुक आईडी पे आप मैसेज करेंगे, मैं रिप्लाई करूँगा ही करूँगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। कोशिश करिए सोशल मीडिया पे टाइम कम बिताना है, पढ़ाई पे टाइम ज़्यादा बिताना है। आज के लिए इतना ही करेंगे, जय हिंद।